हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी सीरीज का ये है पार्ट 30, और आप इस सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है इसमें आपको क्या आज सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उसके पहले के वीडियोज़ आपको देखने हैं तो यहाँ कॉर्नर में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर जाके आप ये सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड यहाँ पे है, इसको पढ़ते हैं बुलवैक। यहाँ पे आर कह सकते हैं, साइलेंट रहता है। अगर बुलवैक भी पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका है बुलवैक। ओके, ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, ये किसी व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो या वस्तु हो जो आपको प्रोटेक्ट करे किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन या फिर किसी भी डेंजरस थिंग से, या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन या व्यक्ति से प्रोटेक्ट करे जिससे आपको खतरा हो। तो वो व्यक्ति या वो वस्तु या जो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा होगा वो बुलवैक कहलाएगा। लिखा हुआ है समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है, या फिर जैसे पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो जो बुलवैक का प्रयोग किया जाता था वो जो चार दीवारियां होती थी जो किले के चारों तरफ होती थी जिससे किले की रक्षा की जाती थी, उनके लिए इस्तेमाल होता था। तो कुछ भी हो सकता है जो आपको अनप्लीजेंट या फिर डेंजरस सिचुएशन से बचाए। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा है बचाव या रक्षण साधन, कुछ भी जो आपको रक्षा करने में मदद कर रहा है तो वो बुलवैक है। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द सेलिब्रिटी हैज़ हायर्ड एन अटॉर्नी टू एक्ट एज हिज बुलवैक फ्रॉम द मीडिया। यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी है, उसने एक अटॉर्नी को हायर किया हुआ है, किस लिए, ताकि मीडिया के सवाल जवाब जो होते हैं कई बार लोग उससे बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, तो उससे रक्षा के लिए कि मीडिया से उनकी रक्षा हो सके, मतलब उसको ज़्यादा सवाल जवाब जो भी हो वो अटॉर्नी ही उनके जवाब दे, तो उसके लिए उसने बुलवैक के तौर पर अटॉर्नी को रखा है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस आदमी की रक्षा के लिए या फिर मीडिया से बचाने के लिए तो यहाँ पे उसने अटॉर्नी को क्या बनाया, अपना बुलवैक बनाया, मतलब उसने उसको अपने रक्षा के लिए रखा है। सिनोनिम्स देखिए इसके क्या हो सकते हैं, इसे प्रोटेक्टर हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है, गार्ड हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, डिफेंडर हो सकता है। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं या फिर कह लीजिए सिनोनिम्स हैं इसके, बड़े आसान है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके एंटोनिम्स में देखिए क्या क्या है, जैसे असेल, असेल का मतलब होता है कि जब आप किसी पर आक्रमण करते हैं, वही मतलब असॉल्ट का भी होता है और वही मतलब अटैक का भी होता है। जब आप किसी पे आक्रमण कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो फिजिकली और बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही निर्ममता से किसी के ऊपर आक्रमण कर रहे हो, तो वो असेल, असॉल्ट या फिर अटैक कहा जाता है। तो पहला वर्ड तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा वर्ड हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरा वर्ड है हावला। हावला का मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है। इसका मतलब जैसे आपने कोई ऐसी भूल कर दी हो जो बहुत ही कह सकते हैं ज़्यादा गलत हो, और भूल गलत ज़्यादा होने का मतलब कई बार हम छोटी मिस्टेक्स करते हैं, कई बार मिस्टेक्स हमारी बड़ी हो जाती हैं। तो कोई आपने ऐसी मिस्टेक की है जिसको इग्नोर ना किया जा सके, और उसके साथ साथ ही वो आपकी जो मिस्टेक है या फिर जो भी आपसे गलती हुई है, जो भी आपने किया है उसमें, उसको देख करके अगर कोई सुनेगा तो उस हंसेगा ही कि आपसे वो कैसे हो गया। कई बार होता है आप ऐसे काम कर देते हैं जो आपसे उम्मीद नहीं होती है, तो ऐसी जो गलतियां होती हैं उनको हावला कहा जाता है। लिखा हुआ वेरी स्टूपिड और ग्लेरिंग मिस्टेक स्पेशली एंड अम्यूजिंग वन। अम्यूजिंग वन का कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी गलती से कोई हंस रहा है या फिर उसको विनोद मिल रहा है, उसको खुशी मिल रही, नहीं, आपकी गलती से वो आपके ऊपर हंस रहे हैं कि आपसे तो ऐसी गलती की उम्मीद थी नहीं, लेकिन ये आपसे गलती हो कैसे गई। तो इसी को कहा जाता है हास्यास्पद भूल या हावला। देखिए यूज़ कैसे हुआ है, द स्क्रिप्ट इज़ अ हावला दैट विल मेक यू सिट अप इन अ शॉक बिफोर रोलिंग ओवर विथ लॉफ्टर। मतलब किसी ड्रामा के या प्ले के या मूवी के स्क्रिप्ट के बारे में बात हो रही है कि स्क्रिप्ट उसकी कैसी है, हावला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बकवास होगी या फिर बहुत ज़्यादा हास्यास्पद होगी। तो कह रहे हैं कि अगर आप वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे या फिर आप उस स्क्रिप्ट को देखेंगे तो आपको पहले तो एकदम शॉक लगेगा, ऐसे कि आप एकदम बैठे ही रह जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो लेकिन हंस हंस के लोटपोट होने से पहले आपको एक शॉक सा लगेगा कि भैया ये जैसे कोई बहुत फेमस राइटर हो, आप उसकी कोई बुक पढ़ें और कुछ ऐसा पढ़ लें जिसको आपकी उम्मीद ही ना हो, ऐसा वो कैसे लिख सकता है। तो पहले तो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, चार बार पन्ना पलटेंगे वही है कि नहीं है, फिर उसके बाद आपको बहुत हंसी आएगी, फिर आप दूसरों को भी बताएंगे देखो ऐसा उसने लिखा है। तो ऐसी जो भी गलतियाँ हों जिस जो काफ़ी हद पे बड़ी भी होती हैं और जिससे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक तरीके से समझिए एम्बैरेसिंग सी बात हो जाए आपके लिए और आपके ऊपर लोग हंसें कि आपसे गलती कैसे हुई, तो ऐसी गलतियाँ हावला कहलाएंगी। यहाँ भी आर साइलेंट रहता है बोलने में, बोल भी सकते हैं, कोई मना नहीं है।
सिनोनिम्स देखिए इसके क्या हो सकते हैं, जैसे मिस्टेक, एरर या फिर ब्लंडर, फॉल्ट, गैफ। गैफ का मतलब मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, और एक ये जो वर्ड लिखा हुआ है सोलेसिज्म, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इसी सीरीज के पार्ट में। तो आपको अगर नहीं याद है या फिर अगर आपको जानना है तो आप पिछला वीडियो देखिए, इसको भी एक अलग वर्ड लेकर के ही मैंने आपको बताया था कि सोलेसिज्म का मतलब क्या होता है। तो मैं फिर से क्या बताऊंगा, आपको पता ही होगा अगर आप देख रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं जैसे करेक्शन, नियर एंटोनिम्स हैं, डायरेक्ट एंटोनिम कोई नहीं होगा, जैसे करेक्शन, करेक्टनेस, परफेक्शन, राइट या फिर सक्सेस। इसका मतलब क्या, जैसे गलती हुई तो उसमें करेक्शन हो या फिर करेक्टनेस हो या फिर परफेक्ट हो, मतलब उसमें कोई गलती ना हो, कोई हंसी ना उड़ा सके, वो एकदम सही हो, या फिर आपको पूरी सफलता मिल गई उसमें कोई गलती हुई ना हो, ये सब नियर सिनोनिम्स हैं। एकदम डायरेक्ट सिनोनिम्स इसके यहाँ पे नहीं मिल सकते हैं। तो ये आपका दूसरा वर्ड है। अगले वर्ड पे हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्मियर। स्मियर का मतलब क्या होता है, एक वर्ब है। स्मियर का मतलब होता है जैसे हमने अभी पिछले पार्ट में ही देखा था, कलमनी, कलमनी देखा था ना, जिससे ये वर्ड बना हुआ कल्मिनेट। तो कल्मिनेट से ही जो वर्ड बना हुआ है उसमें हमने देखा था कलमिनी का मतलब क्या होता है, कि जब आप किसी को बेवजह ही बदनाम कर रहे होते हैं, मतलब उसने वो कोई काम ऐसा किया भी नहीं होता है, फिर भी आप सिर्फ उस लिए उसके बारे में गलत भ्रामक प्रचार कर रहे होते हैं ताकि उसकी जो रेपुटेशन है उसको गिरा सकें आप, तो उसको हम कहते थे कलमनी। तो वहीं से ये वर्ड आपका कल्मिनेट बना हुआ है, और वही इसका सिनोनिम स्मियर भी है। इसका भी मतलब है डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन बाय फॉल्स एक्यूजेशन, मतलब आप किसी पे झूठा आरोप लगा करके किसी की रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं या फिर उसको बदनाम कर रहे हैं, तो ये जो काम होगा करने का वो स्मियर कहलाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, समवन वॉज ट्राइंग टू स्मियर हर बाय फेकिंग लेटर्स, कि कोई उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे बदनाम करने का प्रयास मतलब कि झूठा प्रयास कर रहा है। ट्राइंग टू स्मियर हर बाय फेकिंग लेटर्स मतलब झूठे जो पत्र हैं उनकी, उनको दे करके या फिर उनको दिखा करके जो है उसको बदनाम करने का किसी को प्रयास किया जा रहा है। तो ये स्मियर का मतलब किसी को बदनाम करना फॉल्स एक्यूजेशन के आधार पे, झूठे आरोप लगा करके। सिनोनिम्स देखिए, स्लैंडर मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, एक लाइबल इसका वर्ड होता है। लाइबल का मतलब होता है कि जब आप कुछ पब्लिश करके, मतलब रिटर्न में, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, आपने कुछ ऐसा सामग्री छपवा करके किसी को आप बदनाम करते हैं तो उसको कहा जाता है लाइबल करना, ठीक है। इसी तरह आपका एक वर्ड है स्टिग्मेटाइज, इसका भी मतलब यही होता है बदनाम करना, झूठे आरोप लगाना, ओके। एंटोनिम्स देखिए इसके क्या हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट करना या फिर प्रेज करना, मतलब किसी की तारीफ करना, उसके गुणगान करना, ये उसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम, कि अगर किसी ने बहुत अच्छा काम नहीं भी किया होता तब भी हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उसको बुरा ना लगे, तो वहाँ पे एकदम उल्टा काम करते हैं कि अगर उसने अच्छा काम नहीं भी किया होता तभी हम कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ पे उल्टा है कि अगर कोई बुरा नहीं भी होता है तो भी हम उसको झूठे आरोप लगा करके उसको कहते हैं नहीं नहीं ये इसने काम किया है, ये बहुत बुरा काम किया है इसने, तो यहाँ पे बदनाम करते हैं। तो ये इसके डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो ये आपको वर्ड समझ में आया होगा, आप इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली ही जोड़ सकते हैं कल्मिनेट से, स्लैंडर से, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इन सब के मतलब, तो वहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये सब आपस में क्या है, सिनोनिम्स ही हैं। अगले वर्ड पे बढ़ें, देखते हैं अगला वर्ड लिखा हुआ है स्टाइमी। स्टाइमी भी एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, इसका स्टाइमी का मतलब होता है कि जब आप कुछ होने से में रुकावट पैदा करें, जैसे कोई काम हो रहा है आप उसमें रुकावट पैदा करें ताकि वो काम पूरा ना हो पाए, या फिर अगर कोई कुछ अचीव करना चाहता है लेकिन आप उसमें बार बार ऐसा गतिरोध लगा रहे हैं, हिंड्रेंस ला रहे हैं ताकि वो व्यक्ति वो जो मुकाम वो हासिल करना चाहता है, जो पर्पज़ है उसका, अचीव ना कर सके, तो ऐसा जो काम आप करते हैं उसको स्टाइमी कहा जाता है। मतलब आप एक तरीके से गतिरोध का काम कर रहे हैं, और ये कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, व्यक्ति के साथ साथ कई बार परिस्थितियां भी हो सकती हैं स्टाइमी आपके लिए, मतलब गतिरोध का काम करते हैं ताकि आपका जो भी आप करना चाहते हैं वो पूरा ना हो सके, या फिर जो भी आपका गोल है वो पूरा ना हो सके। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समवन फ्रॉम अचीविंग अ पर्पज, जो मैंने अभी हिंदी में बताया, हिंदी में और इसको क्या कह सकते हैं, जैसे गतिरोध। देखिए यूज कैसे हुआ है, सिंस माई पेरेंट्स वर अनहैप्पी अबाउट माई करियर गोल, दे ट्राइड टू स्टाइमी माई डिसीजन बाई विथ होल्डिंग देयर फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए कितना अच्छा यूज हुआ है, कि चूंकि मेरे जो पेरेंट्स थे, कई बार होता है ना कि आपके मम्मी पापा चाहते हैं आप डॉक्टर बने, आपका माने कि आप इंजीनियर बने, आप वकील बने, आप कुछ भी बने, कई बार होता है कि आपके पेरेंट्स से जो गतिरोध होता है वो कई बहुत ज़्यादा होता है, मतलब गतिरोध क्या कह सकते हैं कि जो वैचारिक मतभेद है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कि आपके पेरेंट्स कुछ आपको बनाना चाहते हैं, आप कुछ और बनना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है
कि जो मेरी एक करियर गोल है, आप करियर गोल अपना सेट करते हैं, ट्वेल्थ में रहते हैं कि अब मुझे क्या करना है, तो उसकी वजह से जो पेरेंट्स वो बहुत अनहैप्पी थे, अब बहुत नाखुश थे। तो उन्होंने जो मैंने चुना, जैसे मान लीजिए मैं बनना चाहता हूँ इंजीनियर, तो वो मुझे बनाना चाहते हैं डॉक्टर, तो वो क्या कर रहे हैं, मेरे डिसीजन को कैसे स्टाइमी कर रहे हैं। स्टाइमी का मतलब मेरे डिसीजन में, ताकि मैं जो अपना लक्ष्य है, जो पर्पज़ है, वो अचीव ना कर सकूं, इसलिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, मतलब जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो अपने माँ बाप के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो फीस भरेंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं बन सकता हूँ। तो वो यहाँ पे एक कह सकते हैं पर्पज़ लेकर के बताया जा रहा है कि इस वजह से उन्होंने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको रोक दिया है, मतलब जो अब वित्त संबंधी जो भी चीज़ें थी, पैसा वगैरह था, वो अब नहीं देने वाले हैं। तो इस तरीके से वो मेरा डिसीजन बदलने का प्रयास करें कि वो पैसा रोक देंगे, मैं हम पैसा नहीं देंगे, तुमको बनना इंजीनियर जाके बनो, हम नहीं पैसा दे रहे। तो ऐसे में होगा क्या कि आप मजबूरन उनकी चॉइस पे जाएंगे। तो यहाँ पे स्टाइमी का प्रयोग किया गया है गतिरोध के तौर पे, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए इसके काफ़ी अच्छे हैं, जैसे क्लॉग हो गया। क्लॉग का मतलब क्या होता है, क्लॉग कई बार इस्तेमाल होता है कि जैसे पैरों में बेड़ियाँ पड़ी होती हैं ना कई लोगों के, कि जिससे वो आगे ना बढ़ सकें, या फिर कई बार बहुत भारी जूते पहनाए जाते हैं लोगों को ताकि वो मूवमेंट ना कर सकें। तो ऐसी स्थिति भी एक तरीके की क्या है कि आप किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, तो वो क्लॉग है। और दूसरा देखिए यहाँ पे क्रैम्प वर्ड है। क्रैम्प तो आप समझते ही होंगे, स्पोर्ट्स वगैरह से अगर रिलेटेड है तो क्रैम्प हो जाए अगर, तो आप चल नहीं सकते हैं, जैसे एक तरीके से समझिए कि मोच आ जाना, कुछ उसी तरीके से। इम्पीड का भी मतलब यही होता है, इम्पीड का भी मतलब गतिरोध पैदा करना, मतलब आप किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं या मूवमेंट नहीं करने दे रहे हैं, तो इसको इम्पीड कहते हैं। इनकम्बर का भी सेम मतलब ही होता है, गतिरोध पैदा करना या फिर मूवमेंट ना होने देना। और ये देखिए लिखा हुआ है फेटर। फेटर का मतलब तो मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे, जिसको हम कहते हैं बेड़ी कहते हैं ना, जैसे कैदियों को पहनाई जाती है तो वो फेटर कहलाती है, तो उससे भी वो भाग नहीं सकते हैं। एंटोनिम्स के हो सकते हैं, जैसे एड या फिर असिस्ट या फिर फैसिलिटेट। एड करने का मतलब सहायता देना, असिस्ट करने का मतलब भी किसी को असिस्ट करना, सहायता प्रदान करना ताकि वो आगे बढ़ सके। फैसिलिटेट करने का मतलब सेम ही है, तो ये इसके एंटोनिम्स होंगे। तो स्टाइमी काफ़ी अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा इसको। जैसे आप यूज़ करते ना हिंड्रेंस, अब वो जो कॉमन कॉमन से सिनोनिम्स से नहीं लिए मैंने, इसके कुछ अच्छे शब्द मिले यहाँ पे सिनोनिम्स में तो मैंने ले लिए। जैसे हिंड्रेंस आप ट्राई करते हैं वर्ड लिखने में, तो वही है स्टाइमी भी, क्या है हिंड्रेंस, ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ओके अगले वर्ड पे बढ़े, देखें क्या है लिखा हुआ है। ग्लिमर। ग्लिमर का मतलब क्या होता है, एक वर्ब है। ग्लिमर का मतलब होता है कि टू शाइन विथ अ वीक लाइट और अ लाइट दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, टिमटिमाना जिसको कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में ग्लिमर, कि जब कुछ चीज टिमटिमा रही होती है, मतलब उससे लाइट आ रही होती है, शाइन सा हो रहा होता है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, लगातार वो नहीं टिमटिमाता है। टिमटिमाने का मतलब ये है कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, प्रकाश आ रहा है, जा रहा है, ऐसे होता रहता है, तो वो टिमटिमाना होता है, तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लिमर। देखिए कैसे यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं कि केवल आपका प्रकाश के सेंस में या फिर लाइट के सेंस में ही यूज़ हो। देखिए लिखा हुआ, दे हैव केप्ट देमसेल्व सो वेरी क्लोज फॉर मैनी ईयर्स दैट नो वन हैज़ अ ग्लिमरिंग आइडिया ऑफ वॉट देयर इंटेंशन इज़। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में बात करी जाए, दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करी जा रही है, कि वो उन्होंने अपने आप को, उन सब लोगों ने अपने आप को इतने सालों से इतना क्लोज रखा हुआ था कि किसी और, मतलब किसी और बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि उनके इंटेंशंस क्या थे। तो यहाँ पे ग्लिमरिंग आइडिया का मतलब, कि एक ग्लिमरिंग आइडिया होता है, जैसे हमारे सबका किसी के बारे में एक विचार होता है, किसी व्यक्ति के बारे में, कि अच्छा वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा सोच रहा है, वो ऐसे आगे बढ़ेगा, या उसके क्या फिर आइडियाज़ हैं, क्या गोल्स हैं ज़िंदगी में, अगर हम थोड़ा बहुत मिलते रहते हैं तो जानते हैं, ग्लिमरिंग आइडिया होता है। मैं एग्जैक्टली तो नहीं पता सामने वाला क्या सोच रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा लगाते हैं, तो उसी को ग्लिमरिंग आइडिया यहाँ पे कहा गया है, कि हमको किसी और को पता भी नहीं था उनके बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, तो यहाँ पे ग्लिमरिंग आइडिया शब्द यहाँ पे लगाया गया है। तो इस तरीके से ग्लिमरिंग का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। ओके सिनोनिम्स देखिए इसके क्या हो सकते हैं, जैसे ग्लीम, शाइन, ग्लिंट, फ्लिकर और शिमर, सबके मतलब वही होता है, टिमटिमाना या फिर चमकना। ओके तो ये आपका पांचवा और आखिरी वर्ड था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप यहाँ पे जो वर्ड था हाउलर, इसके कुछ और यहाँ पे वाक्य प्रयोग करके मुझे बताइए कमेंट करके। यहाँ तो एक मैंने आपको बताया, मैं चाहूँगा इसके आप कुछ और अपने से वाक्य प्रयोग करके बताइए, जैसा आप हमेशा से करते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, और आपको इससे और समझने को मिलेगा कि आप कितने तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।